हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शांतम एंड आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, आई होप कि मेरी पोइट्री से आप लोग रिलेट कर पाओगे, और जो नहीं कर पाए उनके लिए है, सेव करके रखना, बाद में काम आएगी। तो एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि कुछ कमियाँ उनमें थी तो कुछ खामियाँ हम में भी थी। हाँ माना, कुछ कमियाँ उनमें थी तो कुछ खामियां हम में भी थी। फर्क बस इतना रहा, वो गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते चले गए। तो स्टार्ट करता हूं भाई पोएट्री। हाँ माना कि तुम मुझसे अब दूर हो, हाँ माना कि तुम मुझसे अब दूर हो, पर इस दिल के शहर में सिर्फ तुम ही मशहूर हो। बहुत से चेहरे आए इस दिल में तुम्हारी जगह पाने, बहुत से चेहरे आए इस दिल में तुम्हारी जगह पाने, पर तुम्हारी जगह किसी को देना मुनासिब ना समझा, क्योंकि तुमसे ही तो हूं मैं और मुझ में सिर्फ तुम हो। अब जरा ख्यालों में ले जाते हैं, पुरानी बातों में, पुरानी यादों में। क्या तुम्हें याद है वो शुरुआती किस्साए मोहब्बत, जब तुमने मुझे और मैंने तुम्हें देखा था? क्या तुम्हें याद है वो शुरुआती किस्साए मोहब्बत, जब मैंने तुम्हें और तुमने मुझे देखा था? न तुमने कुछ कहा था न मैंने कुछ सुना था, न तुमने कुछ कहा था न मैंने कुछ सुना था, बस नजरों नजरों में हमने एक दूसरे को चुना था। और एक ये मेरी पसंदीदा लाइन है इस पंक्ति की, वो तुम्हारा मुस्कुरा कर मिलना कजब ढा गया, वो तुम्हारा मुस्कुरा कर मिलना कजब ढा गया। जो कहता था मोहब्बत एक पूरी बला है, जो कहता था मोहब्बत एक पूरी बला है, न जाने वो कैसे इश्क की गलियों में रहने आ गया। हम तो अनजान थे मोहब्बत के अल्फाज से भी, हम तो अनजान थे मोहब्बत के अल्फाज से भी, न जाने ये दिल तुम पर कैसे आ गया। एक इसकी लास्ट है, न भूला हूं और ना भूलनी है, ना मैं भूला हूं और ना भूलनी है, वो हम दोनों की पहली मुलाकात, वो हम दोनों की पहली मुलाकात, जिसके बाद मैं तेरे शहर के हर शख्स की नजरों में आ गया। एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, सुनिएगा। ये इश्क भी बड़ी अजीब बीमारी है, ये इश्क भी बड़ी अजीब बीमारी है, हमाना जिंदगी तो सिर्फ हमारी है, हाँ माना जिंदगी तो सिर्फ हमारी है, पर ना जाने क्यों इसे तलब सिर्फ तुम्हारी है। एक शेर और सुनिएगा, ये शायरों के लिए है, जितने भी यहाँ शायर बैठे हुए हैं उन सब के लिए है, कि शायरों से रिश्ता रखो, शायरों से रिश्ता रखो जनाब, तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, शायरों से रिश्ता रखो तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, ये वो हकीम हैं जो अल्फाजों से इलाज किया करते हैं।